जम्मू कश्मीर पेट पे शॉप डीलर्स एसोसिएशन ऑर्डर को लागू करो, लागू करो एफएसए रूल्स को लागू करो, लागू करो एफएसए रूल्स को लागू करो, लागू करो PDS control order को हमारी आवाज दो छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक EOS मशीन को बंद करो बंद करो EOS मशीन को बंद करो बंद करो वाइस प्रेसिडेंट जी ये प्रोटेस्ट क्यों ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि हम हुकूमत जम्मू कश्मीर से पिछले 3 साल से अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन हम सरकार जो है जम्मू कश्मीर वो टस से मस नहीं है सिर्फ नादिर शाही मतलब जो ये हुक्मनामे जारी करें जो कि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं खासकर हम इस वक्त बरा हैं जो इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस मशीन लगाई जम्मू कश्मीर में लेकिन अभी तक 8 तारीख तक POS मशीन में डाटा फिक्स नहीं हो रहा है तो लोग परेशान हैं राशन लेने के लिए और सरकार से बोल रहे हैं आप आधार एथेंटिकेशन ले लो लोगों से लेकिन लोगों के पास आधार कार्ड ही नहीं है तो हम किन से इसलिए हम मैन्युअली चला रहे थे लोगों को राशन पहुंचाने लेकिन इस वक्त लोग तड़प रहे हैं राशन के लिए लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं राशन मत दे दो तब तक जब तक आधार कार्ड नहीं हो लेकिन आधार कार्ड इन्होंने इंतज़ाम नहीं किया है आधार कार्ड बनाने का लोगों को लोग भी इस वक्त परेशान हैं कहाँ आधार कार्ड बनाएंगे इसके साथ साथ हम सरकार को बता रहे हैं कि जो भी PDS कंट्रोल ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2015 का वो यहाँ लागू होना चाहिए वो नहीं ये लागू कर रहे हैं इसके साथ जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन्होंने ये लागू किया लेकिन जो उसमें जो एक्ट में जो मतलब बाकी ये ज़रूरी लवाजमात है वो पूरे नहीं कर रहे हैं हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार खासकर ऑनरेबल गवर्नर साहब से और अपने जो मशीर हैं खुर्शीद अहमद गनाई साहब उनसे गुजारिश और ख़ासकर कमिश्नर सेक्रेटरी जो इस वक्त नए आए हैं उनसे गुजारिश के हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं इनको पूरी तौर लागू करो वरना हम 15 जुलाई से हड़ताल पर जाए प्रोटेस्ट हड़ताल पर जा रहे हैं आगे हम देखें आगे हम टोटल ये जो POS मशीन आप बंद करें और हम मुल्क में भी ये तहरीक चला रहे हैं पूरे मुल्क में मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ भी हम ये POS मशीन बाकी क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त लोगों के लिए परेशानी की बाइस बन चुकी है।